हेलो स्टूडेंट्स वेलकम और वेलकम बैक टू क्लास इंग्लिश सिम्प्लीफाइड एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस तो स्टूडेंट्स क्लास ट्वेल्थ फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर नंबर सिक्स है पोयर्स एंड पैनकेक्स जिसके कि हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को कवर कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हम अपने इस चैप्टर को और हमारे पास पहला क्वेश्चन है वट इज़ द ऑथर रेफर टू एज पैन नेम द एक्ट्रेस हु मस्ट हैव यूज इट की ऑथर ने पैनकेक को यहाँ पर क्यों रेफ़र किया है और कुछ उन एक्ट्रेसेस के नाम बताइए कि जो शायद इसको यूज़ किया करती थी तो आंसर है पैनकेक वॉज द ब्रांड नेम ऑफ अ मेकअप मटेरियल कि जो पैनकेक था वो एक ब्रांड नेम था मेकअप मटेरियल का ये एक फ़ाउंडेशन की तरह हुआ करता था जिसको कि स्पंज गीला करके अपने फेस पे एक्ट्रेस लगाया करती थी ट्रक लोड्स ऑफ दिस मटेरियल वर यूज्ड बाय जैमिनी स्टूडियो और इस मटेरियल के ट्रकोड्स को अक्सर किस स्टूडियो में यूज़ किया जाता था जैमिनी स्टूडियो में यूज़ किया जाता था गीता दत्त कल्पना कार्तिक एंड मधुबाला माइट हैव यूज्ड इट और हमारी जो पुरानी हीरोइने हैं जैसे कि गीता दत्त कल्पना कार्तिक और मधुबाला शायद इस टाइम पीरियड की कुछ जो हीरोइंस हैं वो इस मेकअप को यूज़ किया करती थी बट पूलम ढिल्लो रति अग्निहोत्री माइट नॉट हैव इवन हेयर ऑफ इट लेकिन जो हमारी आ, पूनम ढिल्लो रति अग्निहोत्री टाइम की जो हीरोइंस थी वो शायद इसके बारे में नहीं जानती थी तो स्टूडेंट्स जो ये बहुत पुराना ब्रांड था और बहुत पहले ये जैमिनी स्टूडियो में यूज़ हुआ करता था नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वॉज द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियो की जैमिनी स्टूडियो का जो मेकअप डिपार्टमेंट था वो कहाँ पे था डज द ऑथर थिंक द बिल्डिंग वॉज वट इट वॉज बिलीव्ड टू बी और ऑथर ऐसा क्या सोचता था कि ये बिल्डिंग बिल्कुल वैसी ही थी जैसे उसके बारे में सोचा जाता था माना जाता था तो आंसर है द मेकअप डिपार्टमेंट वॉज लोकेटेड इन इन द अपस्टेयर ऑफ अ बिल्डिंग कि जो मेकअप डिपार्टमेंट था ये एक बिल्डिंग के ऊपर स्थित था दैट वॉज बिलीव टू हैव बिन रॉबर्ट क्लाइव स्टेबल्स और जिसके बारे में ये विश्वास किया जाता था कि रॉबर्ट क्लाइव का जो अस्तबल था उसके ऊपर ये मेकअप डिपार्टमेंट बना हुआ था बट द ऑथर डिडेंट बिलीव दिस बिकॉज मैनी बिल्डिंग्स इन द सिटी वर नॉन टू बी रेजिडेंस ऑफ़ रॉबर्ट क्लाइव लेकिन अब इस बारे में बिल्कुल विश्वास नहीं करता है क्योंकि उस वक्त शहर में बहुत सारी बिल्डिंग्स ऐसी थी जिनको कि रॉबर्ट क्लाइव के रेजिडेंस के रूप में जाना जाता था तो इसलिए उसे ऐसा नहीं लगता था कि ये जो बिल्डिंग है ये रॉबर्ट क्लाइव का अस्तबल रहा होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन वर्ड सेंस वॉज सुब्बु लॉयल टू दॉस की किस सेंस में जो सुबह है अपने बॉस का वफादार माना जाता था तो आंसर है सुबह वॉज टोटली लॉयल टू दॉस की सुबह जो था वो पूरी तरह से अपने बॉस के प्रति वफादार था ही वॉज अ वेरी शार्प माइंडेड वो एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था ही हैड अ सोल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम्स और उसके पास हर प्रॉब्लम का हल हुआ करता था ड्यू टू विच बॉस कॉल्ड हिम अ ट्रबल शूटर और इसी वजह से जो उसके बॉस थे हमेशा उसको ट्रबल शूटर के नाम से बुलाया करते थे कि ये एक ऐसा व्यक्ति है जो मेरी तरह संकट मोचन है यानी कि इसके पास मेरी हर प्रॉब्लम का हल है ही कुड सजेस्ट टू द बॉस अ नंबर Of ways to deal with a difficult scenes or situations in a film. अब एक film के अंदर कोई difficult scene होता था या कोई difficult situation होती थी तो वो अपने boss को बहुत सारे एक idea ऐसे दे दिया करता था कि वो उस situation को या इस scene को किस तरीके से फिल्मा सकता है तो students अपनी inequalities की वजह से वो अपने boss का बहुत ज्यादा वफादार माना जाता था नेक्स्ट क्वेश्चन है इन वट वे वॉज सुबह बेटर देन द ऑफिस बॉय के किन कारणों में जो सुबह है वो ऑफिस बॉय से ज़्यादा बेटर था उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस था तो आंसर है सुबह वॉज एट नंबर टू पोजिशन इन जैमिनी स्टूडियो के जो सुबह था वो जैमिनी स्टूडियो में नंबर दो की पोजिशन पर था नंबर वन की पोजिशन पर किसको समझा जाता था जो बॉस थे एस एस वासन और सेकेंड नंबर की पोजिशन में सुबह को वहाँ समझा जाता था ही वॉज ऑल राउंडर वो ऑलराउंडर था ही वॉज स्किल्ड इन डूइंग ट स्टूडेंट्स तो वो अपनी प्रतिभा को वहाँ पर साबित किया करता था वॉज प्लेस्ड बाई हिज बॉस और इसी वजह से उसका बॉस जो है उसकी बहुत ज्यादा प्रशंसा किया करता था ऑन द अदर हैंड ऑफिस बॉय वॉन्टेड टू बी अरो और दूसरी तरफ जो ऑफिस बॉय था वो एक हीरो बनना चाहता था बट मे बी ही डिडेंट हैव दैट मच टैलेंट लेकिन शायद उसके पास इतना ज़्यादा टैलेंट नहीं था सो ही एंड डिट अप बींग एन ऑफिस बॉय और उसी वजह से वो जैमिनी स्टूडियो में एक ऑफ़िस बॉय बनकर रह गया यानी कि एक पी एन ही बनकर रह गया तो इन सारे कारणों में जो शबु था वो ऑफिस बॉय से बहुत ज़्यादा अच्छा था और उससे बहुत ज़्यादा अप लेवल पर था क्योंकि चारों तरफ से वो किसी भी प्रॉब्लम के हल को सोच सकता था तो स्टूडेंट ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए ऑल पर हिट कीजिए ताकि आने वाला हर वेल्यूबल वीडियो आप तक पहुँचे मिलते हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में कीप वॉचिंग स्टे कनेक्टेड थैंक यू